ये मेरी फेवरेट डिश है और मेरी मम्मा कहती है मुझसे ज्यादा अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। देखिए मैडम, ये मेरा ऑफिस है, कोई पकवान नहीं है जो आप कुछ भी बना के ले आएंगे। वैसे भी ये सारी हरकतें वो लोग करते हैं जिन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं होता। सब्र करो यूसुफ, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे आपकी किस्मत से नफरत हो रही है, सब मेरी गलती है खालत। मैं कैसा बाप हूँ मैं जिसने अपने बच्चे को आने से पहले। कुछ बोले नूर, कब तक ऐसे आप चुप रहेंगी? रो लें ताकि थोड़ा दिल हल्का हो जाए। रोना ही तो नहीं है मुझे, ना मुझे अपना दिल हल्का करना है ना ये दुख का। आपको तो पता है जो कुछ भी हुआ है सब कुछ गलती से हुआ है। नहीं फरा, इसे गलती नहीं गुनाह कहते। एक बेबुनियाद इल्जाम की सजा उन्होंने मेरे बच्चे को दी है, जान ले ली उन्होंने, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसे तो मत कहें, यूसुफ भाई तो खुद बहुत टूटे हुए हैं। टूटना चाहिए अभी उन्हें, सब उनकी वजह से हुआ। इस सब चीज के जिम्मेदार वो है, मैं ऐसा क्यों ना कहूं। हमने इतने सारे प्लान्स बनाए थे, बच्चों के लिए ढेर सारे ख्वाब देखे थे, सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने, पर अब कुछ भी नहीं बचा। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त यूसुफ भाई को भी सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं। अगर मैंने उन्हें संभाला तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। जब गलत की है तो उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। क्या हुआ है, सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, कोई पिक नहीं कर रहा। अम्मी को भी इतनी कॉल्स किए, यूसुफ भाई को भी, और नूर भाभी भी नहीं पिक कर रही। नूर भाभी का फोन घर पे रह गया था शायद। तो यूसुफ भाई और अम्मी क्यों नहीं पिक करे कॉल? हाँ, सब हॉस्पिटल में थे, अभी कुछ देर पहले ही वापस आए। हॉस्पिटल में क्या हुआ है, हॉस्पिटल में क्यों थे सब? सब तुम अम्मा से बात कर लो। तुम्हें बताने में क्या मसला है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, अम्मा से बात कर लो, बहस क्यों कर रही हो? इसे क्या हो गया? जी अम्मी, अम्मी मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ, क्यों नहीं पिक कर रहे आप लोग? हॉस्पिटल में क्यों थे? अम्मी बताएं क्या हुआ है। रो क्यों रही हैं? नहीं, वो मेरी आंख में कुछ पड़ गया था। बताइए, इतनी कौन सी बड़ी चीज आपके आंख में घुस गई कि ऑफिस के सारे टिश्यू पेपर खत्म कर दिया आपने? आपके टिश्यू के दो डब्बे मैं कल ला दूंगी, फिलहाल मुझे मेरा काम करने दें। काम करने दो मतलब रोने दो? जी मेरा मतलब है मुझे काम करने दें, वैसे ही आपकी वजह से मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो गया। क्यों, मैंने क्या किया? आपने मेरी बहुत इंसल्ट की है, बहुत बुरी तरह आपने मुझे बातें सुनाई है। आपको पता है उस स्वीट डिश को बनाने में मुझे पूरा एक घंटा लगा था, यानी मैं आपकी वजह से पूरा एक घंटा पहले उठती और आपने मुझे इतनी बातें सुना दी। माना कि आप बॉस हैं, लेकिन उससे पहले इंसान भी तो है, किसी का दिल रखने में आपका बिल नहीं आ जाता।
तुमने अली को इन्फॉर्म किया? जी, कह रहे हैं थोड़ी देर में आ रहा। कैसा सोचा था ना कि इस खुशी में उनकी दावत करेंगे, मगर देखो मैं खुद इस दुख से गुजर चुकी हूँ, ये जानती हूँ कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इस तरह रोते हुए संभालोगी इसे? उसको हिम्मत देने से पहले खुद को मजबूत करो सबा। मैं क्या करूँ बाबा, जितना सोच रही हूँ उतना दुख हो रहा है। यूसुफ भाई तो अभी भी अपने आप को भुला कर नूर भाभी के लिए लगे हुए होंगे। शौहर को ऐसे ही तो साहिबान नहीं कहते ना, वो हर दुख में ढाल बनकर बीवी के आगे खड़ा हो जाता है। यूसुफ भाई नूर भाभी को अफसरदा नहीं होने देंगे, उन्हें संभाल लेंगे पहले की तरह खुद को भुला कर। जी अली, जी मैं रेडी और आपका वेट कर रही हूँ। नहीं, दानिया घर पर रहेगी, सिर्फ मैं जाऊंगी। ठीक है, आप आ जाइए। अली आ रहे हैं, मैं दानिया को देख कर आती हूँ। अरे अम्मा, या मैंने तुम्हें ये बताना था कि सबा थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने उसे यूसुफ और नूर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तुम भी नहीं बताना, खाम खामे परेशान होगी। ससुराल वालों का मामला है, लाख अच्छे सही लेकिन है तो ससुराल वाले ना। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। तुमने यूसुफ के लिए कुछ बनाया? नहीं अम्मा, वो मैं नूर भाभी के लिए सूप बना रही थी, बस अभी बना देती हूँ। फजूल के नखरे उठाने की क्या जरूरत है, जो भी घर में था दे देती उसे। अम्मा ऐसे तो नहीं कहें, वो वैसे ही इतना दुखी हैं, अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो। अरे सुन लेती है तो सुन ले, उसे भी तो पता लगे ना कि उसने यूसुफ के साथ जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। ये तो यूसुफ की हिम्मत है कि बर्दाश्त कर रहा है उसे। हो सकता है अम्मा वो हमें बर्दाश्त कर रही हो, हमने भी तो उनसे कुछ पूछने की जहमत नहीं की। अरे इतनी देर बैठ के आई हूँ उसके पास, किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती, जो भी बात करती हूँ हमें जवाब दे रही है। अरे अम्मा वो इस वक्त दुखी हैं, इस वजह से ऐसा बोल दिया होगा। दुख में इंसान छोटे बड़े की तमीज तो नहीं भूल जाता, ये लिहाज तो नहीं भूल जाता कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। मैं मानती हूँ उसका दुख बड़ा है, मगर हम भी तो उसका दुख बांटने के लिए यहाँ लेके आए थे, लेकिन वो तो हमें किसी काबिल ही नहीं समझ रही। तुमने उसके लिए सूप बना दिया है तो अब यूसुफ के लिए कुछ हल्का सा बना दो, मैं यूसुफ के पास जा रही हूँ। ठीक है अम्मा, मैं भी बना के। हेलो, सॉरी यार मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली नूर की वजह से बहुत परेशान हूँ, मैं उसके घर भी गया था लेकिन उसका घर लॉक था, पता नहीं कहाँ है। क्योंकि वो यहाँ आई हुई है। थैंक गॉड वो ठीक तो है ना? खुद ही पूछ लो। नहीं ठीक है, तुमसे बात हो गई है तो अब मुझे ननान हो गया, वो बिजी होगी, मैं बाद में बात करूँगा। मेरा ख्याल है कि उसे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है, शायद तुम ही उसे संभाल सको। सब ठीक है यूसुफ, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा ना खुद ही बात कर लो। हम आ गए, बात करना चाह रहे थे उसे।
रानी, अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गई। मुझे तुमसे कुछ कहना था। जी बेगम साहिबा, क्या काम था? मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हमने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। सोचा है? क्या सोचा है जी? भाई, हमने सोचा है कि तुम्हें पढ़ाएं। पढ़ाने का? लेकिन बेगम साहिबा, मुझे तो कुछ नहीं आता। नहीं आता तो आ जाएगा। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पढ़ने का शौक है कि नहीं। जी, पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन जी हमारे जमाने में तो इतने पैसे ही नहीं होते थे ना कि स्कूल जाया जाए। लेकिन अभी तक पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। तो ठीक है, आजकल में जाके मैं तुम्हारी बुक्स ले आऊंगी, फिर तुम रोजाना सभा के पास बैठकर पढ़ना। देखो, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिस तरह जिम्मेदारी से तुम घर का काम करती हो ना, उसी तरह करना है। बोलो, मंजूर है? हाँ जी, मुझे तो बिल्कुल मंजूर है। आप बस वो क्या कहते हैं, किताबें ले आए मेरे लिए। चलो ठीक है, तुम काम करो। जी जी, ठीक है। नूर, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ बोलोगी या ऐसी चुप बैठी रहोगी? नूर, हमार मेरा बच्चा। अम्मी, नूर भाभी को क्या हुआ है? इतना रूट बात कर रही है और किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रही। बेटा, जिस दुख से वो गुजर रही है उसमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। जिस तरह से वो बात कर रही है उससे तो सिर्फ ये लगता है कि जैसे सारा कसूर सिर्फ यूसुफ भाई का है। ना उनकी तरफ देखकर बात कर रही है, ना उनसे बात कर रही है। सब ठीक हो जाएगा। वैसे अम्मी, मुझे तो आपका रवैया भी कुछ अजीब लग रहा है। लो भला, अब मेरे रवैये को क्या हो गया? आप भी बिल्कुल नूर भाभी की तरह उखड़ी उखड़ी हैं। जिस तरह से आप उनके बारे में बात कर रही थी। ऐसे ही सबा, तुम्हें हर छोटी छोटी सी बात ना बहुत बड़ी लगने लगी है। कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, जीनत कैसी है? और फिर तो कोई मसला नहीं हुआ? ठीक है, वो कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि शायद वो चक्कर भी लगाए। अरे हम हमें उन्हें जहमत होगी। वैसे भी नूर ने एक दो दिन में तो चले जाना है, मना कर दो तुम उन्हें। शुक्र है तुमने फोन उठाने की जहमत तो की। और ये तुमने क्या हरकत की है? अगर तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी थी, मुझे बता देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? नूर, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम कुछ बोलोगी या ऐसी चुप बैठी रहोगी? नूर, मेरा बच्चा। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? तुम ठीक हो? ठीक है। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मार दिया उसे। What? नूर, ये तुम क्या कह रही हो?
इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना किसी फायदे के भलाई करते हैं। ये सब करके इन लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग मुझे पढ़ाएंगे और मैं बदले में क्या कर रही हूँ इन लोगों के साथ? कुछ अच्छा करने के बजाय धोखा दे रही हूँ। कितना भरोसा करते हैं ये लोग मुझ पर और मैं? ओहो, तो इसमें मेरा भी क्या कसूर? मैंने ना थोड़ी कहा कि मुझ पर भरोसा करें या मेरे लिए ये सब करें। खुद ही का शौक हो रहा है, खुद का शौक है तो पूरा करें। मुझे पढ़ाने का शौक हो रहा है, मेरा क्या है? फायदा तो हर तरह से मेरा ही होगा ना। छोड़ डाली, मैं भी क्या सोच रही हूँ। कुछ कह रही थी क्या वो? वो क्या कहेगी अम्मा, उन्होंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। वो जो सूप लेके गई थी वो भी ऐसी रखा हुआ था और अभी खाने को पूछा है तो वो भी मना कर दिया। इस तो तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। ऐसे नहीं कहते अम्मा, ये ठीक नहीं है। इस वक्त वो बहुत अकेली हैं और अगर हम सब भी उनका साथ छोड़ देंगे तो वो बेचारी डिप्रेस हो जाएंगी। और आप खुद बताएं, अगर डिप्रेशन में आके उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया फिर? कुछ नहीं करती वो, और हमाद है ना उसके साथ, तो बेचारी कैसे हुई? अम्मा आप क्यों नहीं समझ रही है, हमाद भाई की जगह अपनी है, लेकिन अभी वो हमारे घर पे है तो हमारी जिम्मेदारी है। और यूसुफ भाई अभी अपनी टेंशन में, इसलिए उन्हें कुछ ख्याल नहीं है। कल सब कुछ ठीक हो गया और यूसुफ भाई ने आपसे पूछा क्यों ख्याल नहीं रखा, तो क्या जवाब देंगी आप? तो तुम्हारे ख्याल में मैं उसकी खाने के लिए मिन्नत करने के लिए जाऊं? मैं ये नहीं कह रही अम्मा कि आप मिन्नत करें, बस आप उनसे प्यार से तो बोल सकती हैं खाने के लिए। ठीक है, मैं जाके कह देती हूँ, लेकिन अब की बार अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे कोई तवक्को नहीं रखना। अच्छा ठीक है, अभी तो आप जाएं, फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। जाती हूँ। अजीब बात है भाई, गलती भी वो करे और नखरे भी हम ही उसके उठाए। अम्मा आप ऐसे तो बात नहीं कीजिएगा, आप उनसे प्यार से खाना खिलाइएगा। इन दोनों के दरमियान तो बात खराब होती जा रही है, आखिर हो क्या गया है? इन दोनों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने रिश्ते को बचाना चाहिए, मगर ये तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश खुद ही को नाकाम कर रहे हैं। दोनों ही जज्बाती होकर एक के बाद एक गलत फैसला कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ आखिर? नूर ने मुझसे मदद मांगी है ना, तो ठीक है, फिर मैं भी उसकी ऐसी मदद करूँगा कि कभी भूल नहीं सकेगी। खाना नहीं खाया तुमने? चुप हो गई है। थोड़ा सा खा लो ताकि दवाई खा सको। देखो नूर, जो कुछ हुआ उसमें जिम्मेदार सिर्फ यूसुफ नहीं है, उसमें तुम भी बराबर की शरीक हो। अगर तुम ये सब कुछ ना करती तो हालात इस नहज पे ना पहुंचते और ये सब कुछ नहीं होता। तुम कहो तो मैं यूसुफ से अब भी बात करके उसे मना सकती हूँ। नहीं आंटी, उन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उनके साथ अब नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो नूर, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। आंटी आप मुझे बताएं, अगर मेरी जगह सभा होती तो ये इल्जाम उस पर भी लगते क्या? आप उसे मौका नहीं देती सफाई के लिए। नूर हमने तुम्हें कब रोका है? तुम चुप हो जिसकी वजह से सब कुछ सच लगने लगा है। आपको जो समझना समझ लें, अब मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन और नहीं दूंगी।
मुझे पता है कि आप मुझे पागल और बेवकूफ समझ रहे होंगे। अक्सर लोगों की राय मेरे बारे में यही है। और रह गई बात सॉरी की, तो आपके हार्श रवैये के बाद मुझे अपने आप को सॉरी कहना तो बनता था, क्योंकि आप जैसे इंसान पर मैंने अपना वक्त और अपनी मेहनत जाया करके खुद के साथ नाइंसाफी की थी। दिलिश का दिलिश का दिलिश का दिलिश का।